अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही साथियों, वो बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि साथियों डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ हवल्ली और अहमदी गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों ये अनाउंसमेंट किया गया है कि जितने भी वेयर हाउस है, यानी दोस्तों जितने भी प्राइवेट वेयर हाउस होता है, आपने बहुत सारे देखा होगा कुवैत में, जहां पे वेयर हाउस में दोस्तों वो लोग बेसमेंट बनाते हैं, यानी अंडरग्राउंड दोस्तों एक जो होता है नीचे बनाया जाता है ताकि चीजों को रखा जा सके या पार्किंग वगैरह को रखा जा सके। तो दोस्तों इसके लिए साफ तौर पर यह कह दिया गया कि दोस्तों ये इलीगल होगा, ये लॉ को उल्लंघन करेगा। तो जितने भी प्राइवेट वेयर हाउस हैं यदि कुवैत में, वो लोग यदि आप बनाते हैं तो उन लोगों को अभी लीगल माना जाएगा, बिना परमिशन का आप लोगों को नहीं बनाना। जो बन चुका है दोस्तों उस पर हो सकता है कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने परमिशन नहीं लिया हो, पर यदि अब से दोस्तों ऐसा कहीं भी आपको देखने को बेसमेंट वगैरह देखने को नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ मैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर की दोस्तों बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये अनाउंसमेंट किया गया है बहुत ही सख्त तरीके से दोस्तों, सभी को चेतावनी दी गई। अगली खबर दोस्तों वाली दोस्तों वो टैक्स को लेकर है। तो साथियों बताना चाहूंगा आपको, टैक्स सिस्टम जो है वो फिर से इशू होने वाला है। तो इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम दोस्तों, ये ITAS जिसे कहा जाता है, दोस्तों इसके बारे में डिटेल के साथ मैं नहीं जानता हूं इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, पर ITAS जिसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड टैक्स सर्विस, दोस्तों ये फिर से इशू किया जाएगा। किसी वजह से इसे बंद किया गया था, पर कुवैत हुकूमत की तरफ से दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया फिर से इसे इशू किया जाएगा और इसे लागू कर दिया जाएगा। अगली खबर की ओर साथी चलते, जो कि बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही अच्छी खबर आ रही है साथी, बांग्लादेशी वर्करों को लेकर। तो मैंने लगभग 2 से 3 दिन पहले आपको यह बताया था कि लगभग 30 से 40 बांग्लादेशी नर्सों को कुवैत में लाया गया था, पर दोस्तों फिर से अनाउंसमेंट किया गया है कि कुवैत में डोमेस्टिक वर्कर और क्लीनिंग वर्करों को लाया जाएगा। बताया दोस्तों ये जा रहा कि लगभग 1500 क्लीनिंग वर्कर को वहां पर लाया जाएगा, यानी साफ सफाई का काम जो करते हैं उन लोगों को लाया जाएगा, और डोमेस्टिक वर्करों को भी बांग्लादेश से लाने की दोस्तों प्रक्रिया बहुत ही जल्दी शुरू की जाएगी, क्योंकि वहां पे अभी सबसे ज्यादा जो कमी हो रही है वो क्लीनर की, यानी जो साफ सफाई करते हैं जैसे कि स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल्स में, या फिर कहीं भी दोस्तों प्राइमरी हेल्थ केयर में। और दूसरी दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरत है कुवैत में डोमेस्टिक वर्कर, यानी जो घरेलू काम करते हैं जैसे कि गाड़ी चलाना, खाना वगैरह बनाना, बगीचे के साफ सफाई करना या देखरेख करना, तो इन चीजों की दोस्तों बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए बांग्लादेश से लाने की दोस्तों प्रक्रिया बहुत ही जल्दी शुरू करने वाली है। अगली खबर की ओर साथी चलते, जो कि वो भी बहुत ही बड़ी खबर है साथियों, वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ कुवैत म्यूनिसिपैलिटी के जो इंजीनियर है अहमद अल मनूफी साहब की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि कुवैत में इलीगल तरीके से रेंटल कार वगैरह जो भी ऑफिस लोग खोल के बैठे हुए हैं उन लोगों पे सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ साथियों, कुवैत में बहुत सारे जगहों पे आपको मिल जाएगा देखने में जो कि गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों वगैरह को आपको रेंट पे दिया जाता होगा, जो कि बहुत ही दोस्तों इलीगल होता है, अनलाइसेंस होता है, यानी उसके पास किसी तरह का लाइसेंस नहीं होता है, उसके बावजूद भी वो लोग खोल के बैठते हैं। तो इसी को लेकर दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया है, जो भी लीगल तरीके से वहां पे ऐसा करते हैं तो उन लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दुकान को हमेशा के लिए सीज कर दिया जाएगा और मालिक को जेल भी जानी पड़ सकती है। अगली खबर के साथ ही चलते, जो कि बहुत ही बड़ी खबर दोस्तों आ रही है साथियों, खबर दोस्तों आ रही है नाटो के तरफ से। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अभी फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर में, तो उसको लेकर दोस्तों वहां पे कतर जो है वो मदद मांगा था नाटो से, वहां के सिक्योरिटी के लिए, मतलब दोस्तों कोई घटना वहां पे ना घट जाए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कहीं भी आतंकवादी हमला वगैरह हो जाता है, उसी को लेकर कतर हुकूमत की तरफ से मांगी गई थी, जो कि नाटो के तरफ से एक्सेप्ट कर लिया गया है, और नाटो के तरफ से कतर फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर को मदद करेगा सिक्योरिटी के लिए, यानी किसी तरह का कोई घटना कुवैत में ना हो जाए इसको लेकर दोस्तों, सॉरी किसी भी तरह का घटना कतर में ना हो जाए इसी को लेकर दोस्तों देखरेख की जाएगी। तो ये कुछ खबरें थी, यदि कोई भी मन में आपके सवाल हो, कोई जानकारी चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का सवालों का जवाब देने के लिए। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।